देश में मेडिकल क्रांति की दुनिया में एक नया नाम जुड़ गया है, रोबोटिक सर्जरी का। देश में बना पूरी तरह स्वदेशी सर्जिकल रोबोट, इस रोबोट का नाम है SSI मंत्रा। करीब एक साल पहले इस रोबोट को राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में इंस्टॉल किया गया था। दावा है कि तब से इसने 100 से ज्यादा सर्जरी की है और सबकी सब सफल रही है। दावा यह भी है कि मौजूदा सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम की तुलना में ये आधुनिक सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम ज्यादा प्रभावी और किफायती भी है। दिखने में ये मशीन भले ही जटिल लग रही हो, लेकिन इसने जटिल सर्जरी को भी बेहद सरल बना दिया है। देश का ये पहला मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट है, जिसका सक्सेस रेट 100% है। मतलब ये कि इस स्वदेशी डॉक्टर रोबो ने अब तक 100 से ज्यादा सर्जरी की हैं। दावा है कि सभी सर्जरी पूरी तरह सफल रही हैं। हमारे सामने मौजूद है भारत का पहला स्वदेशी सर्जिकल रोबोट। इसको नाम दिया गया है SSI मंत्रा। SSI मंत्रा को बनाया है भारत की कंपनी SS इनोवेशन ने और अभी तक इसे भारत के कई अस्पतालों में इंस्टॉल कर दिया गया है। SSI मंत्रा को सबसे पहले इंस्टॉल किया गया भारत के कैंसर हॉस्पिटल राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में। अभी तक ये रोबोट 100 से ज्यादा सर्जरी कर चुका है और इसका सक्सेस रेट 100% है। मेड इन इंडिया के तहत इस रोबोट को बनाया गया है। हम कह सकते हैं कि ये भारत का पहला देसी रोबोट है। भारत के इस पहले डॉक्टर रोबो का नाम है SSI मंत्रा, जिसे गुड़गांव स्थित स्टार्टअप कंपनी SS इनोवेशन ने बनाया है, जबकि इस रोबोट का डिजाइन डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने किया है, जो खुद जाने माने रोबोटिक कार्डियक सर्जन हैं। दावा है कि ये रोबोटिक मशीन हमारे देश और दुनिया भर में सर्जरी के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। न सिर्फ इससे जटिल से जटिल सर्जरी आसान होगी, बल्कि किफायती होने के साथ साथ मरीजों के लिए फायदेमंद भी साबित होगी। ये सारी जो स्पेशलिटीज हैं, हेड एंड नेक से चेस्ट में, हार्ट में, एब्डोमेन में, तो छोटे छोटे छेदों से ये सारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन किए जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि जो ट्रॉमा होता है, बड़े इंसिजन, एक तो इंसिजन्स नहीं होते हैं, दूसरे पेशेंट्स जो होते हैं इतना दर्द नहीं होता है, और हॉस्पिटल में कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं और ब्लड यूज बहुत कम हो जाता है, और ये पेशेंट अस्पताल से भी जल्दी निकाले जा सकते हैं और जब घर जाते हैं तो बहुत तेजी से रिकवर होते हैं। भारत के देसी सर्जिकल रोबोट को करीब एक साल पहले राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में इंस्टॉल किया गया। तब से इस डॉक्टर मंत्रा ने 100 से ज्यादा सफल सर्जरी की है। नॉर्मल सर्जरी की तुलना में इसमें गलती की संभावना ना के बराबर रहती है। अच्छी बात ये भी है कि रोबोटिक सर्जरी में मरीज के शरीर में कम से कम चीरे लगाए जाते हैं, और तो और मरीज की रिकवरी भी काफी जल्दी होती है। चलिए डेमो के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरह दूर बैठे रोबोट मंत्रा के जरिए मरीज की सर्जरी की जाती है। इसको बोलते हैं हम लोग सर्जन कमांड सेंटर। तो वहाँ पे एक बड़ा 3D मॉनिटर है, तो इसमें 3D कैमरा लगाया जाता है, तो वो 3D व्यू वहाँ जाता है। सो सबसे बढ़िया जो है 3D का, कि इसमें वो डेप्थ होती है, तो इससे हम लोग बहुत प्रिसाइजली वहाँ पहुँच सकते हैं। दूसरा, ये हैंड कंट्रोल्स हैं, तो यहाँ पे हैंड कंट्रोल्स को हिला करके, वीडियो देख करके हैंड कंट्रोल से, ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इधर आप इधर देख सकते हैं इधर, तो यहाँ पे ये है रोबोटिक आर्म्स हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो वो वहाँ से कंट्रोल किए जा रहे हैं। तो इसेंशियली ये अलाउ करता है, तो एक तो बीच में कैमरा है, 3D कैमरा है, तो वो ऐसे लाइक ह्यूमन आइज, और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये लाइक ह्यूमन आर्म्स, तो वहाँ बैठे बैठे हम लोग ये चीजें दूर से कर सकते हैं। भारत में रोबोटिक सर्जरी पहले से की जाती रही है, लेकिन इसके लिए सर्जिकल रोबोट विदेशों से खरीदने पड़ते थे, जो काफी महंगे मिलते थे। लेकिन दावा है कि इस स्वदेशी सर्जिकल रोबोट की मदद से अब भारत के सभी अस्पताल आसान और किफायती रोबोटिक सर्जरी कर पाएंगे। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।